से बात बोलूँगा। ये क्या बदतमीजी है? तो कल नहीं बोलूंगा ना, एक हफ्ते तक तो चलेंगे ना, रिलेशन चलेगा। क्यों एक हफ्ते तक? मैं पागल हूँ? एक हफ्ते चलो तक, चलो दो हफ्ते कर ले, दो हफ्ते के बाद जाए यार से। चलो एक महीना कर लो। ये कोई मजाक है आपके लिए? यार ये मैं ना पता क्या मतलब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान अली, आप देख रहे हो एनडी सपाई प्रैंक्स। सो गाइस आज आसिफ मेरे साथ नहीं है, आसिफ बीमार हुआ पड़ा है। आप लोगों से सबसे पहले तो गुजारिश है, वो बीमार है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप चल के वीडियो देखो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड पे। मैं उठ दिल छोड़ आया, रस्ते में सड़क पर एक मोड़ आया। आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाय यार, जिंदगी बेकार हुई है कसम से मेरे। तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? यार मैं ना आपके पास ना एक पैकेज लेके आया हूँ। मुझे कोई पैकेज नहीं चाहिए, जाएं आप। क्या हो गया? मैं काट रहा हूँ यार, जो मतलब मेरे साथ, मतलब आप मेरे पास आके बैठ गए, मुझे कह रहे काट मेरे साथ कंडे लगे हुए हैं, जो कांटे लगे हुए, तुम इतना दूर भाग। आप क्यों मेरे पास आके बैठे हैं, लोग क्या समझेंगे? ये देखो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, ये देखो एक मोबाइल, दो मोबाइल, ये तीन मोबाइल का डिस्टेंस है हमारा, फिर भी तुम मतलब उधर उधर जा रही हो, भाग रही हो, और क्या कर रही हो? बैठी हुई हूँ। खड़ी हो जाओ। क्यों? यार मैं ना पता है क्या, मुझे ना घर वालों ने निकाल दिया यार। क्यों निकाल दिया? यार मैं नशा करता था तो मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मैं दोस्तों के साथ घूमता था तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया। तो जाओ दोस्तों के पास रहे। कहते हैं तुम मतलब लड़कों के साथ क्यों घूमते हो, लड़कियों के साथ घूमो। लड़कियों के साथ घूमो? हाँ मैं लड़कों के दोस्तों के साथ घूमता हूँ ना, कहते हैं नहीं यार लड़के ख़राब करते हैं, बंदा ख़राब हो जाता है, ऐसा वैसा है, तो तुम लड़कियों के साथ घूमो, बेशक हमें कोई मसला नहीं है, लड़कों के साथ क्यों घूमते हो? तो उन्होंने मुझे ना घर से निकाल दिया। तो आप लड़कों के साथ ना घूमो, घर वापस जाओ। तो लड़कियाँ है ही नहीं ना, किसके साथ घूमो, अभी आपके साथ घूमने आया हूँ आज। नहीं नहीं मैं क्यों घूमूंगी आपके साथ, जाएं अपना काम करने जाके कोई और। यार काम ही तो कर रहा हूँ ना अपना, मेरा काम ये आपका ना, काम है लड़कियों को फंसाना। अच्छा यार, अच्छा यार मेरे पास ना एक ऑफर है, बहुत अच्छी सी ऑफर है। नहीं मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए आपकी, जाएं आप। क्या हुआ यार, घर वालों ने मार के निकाला तुम्हें, क्या नहीं दिया क्या? इतनी कोई बात नहीं, मेरे घर वाले शुक्र है अल्लाह का मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे कोई घर से निकाल नहीं सकता। तो फिर इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? क्यों क्या मतलब, आप मेरे पास आके बैठ के मुझे ऑफरें दे रहे हैं, मैं अच्छा चलो मैं वहाँ से बैठ दूर से मतलब बात कर लेता हूँ वहाँ पे बैठ के। नहीं नहीं जाए आप, या नंबर दे दूँ ना, मैं वहाँ पे जाके बैठ कर बात कर लेता हूँ। मैं क्यों नंबर दूंगी आपको? तो फिर यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो क्या मसला है आपको? क्या बात करनी है, करें आप जल्दी करें। यार मैं कह रहा हूँ ना पैकेज ना एक आपके लिए बहुत अच्छा बताएं। आप सुनो ना, ऐसा पैकेज किसी ने कभी नहीं दिया होगा, बताएं। आज से पहले जोंग वालों ने भी नहीं दिया, जैज वालों ने, मतलब ये जितने भी होती हैं ना ये ऑफरें वगैरह, ये किसी मतलब ये स्पेशल ऑफर है। ऑफर ये है कि यार मुझे तो वैसे भी घर वालों ने निकाला हुआ है, धक्के मार के, लाते मार के, घूसे मार के, तो तुम ना ऐसा करो ना शादी करके मुझे अपने घर ले जाओ। आपका दामाद है। नहीं मैं कहूंगी मेरे घर वाले ताकि मुझे भी घर से निकाल दें। चलो कोई मसला नहीं, निकाल देंगे तो फिर दोनों कोई नया घर बना लेंगे। नहीं मुझे कोई नया घर नहीं बनाना, आप जाएं, आप किसी और लड़की से शादी करें, मैं ही आपको नजर आ रही थी बड़ी बात है। देख लो यार मैं बहुत परेशान हूँ कसम से, सॉरी मैं नहीं कुछ कर सकती, घर वालों ने निकाला, मैं अभी कहाँ पे जाऊँगा यार, बेबस आदमी हूँ। यार मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ना लड़कियों का दिल चुराता हूँ, जो अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं ना उनका दिल चुराता हूँ। इसका मतलब फिर तो आप हर लड़की पे ट्राई करते होंगे। हर लड़की पे नहीं करता, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं उनका दिल चुराता हूँ। खूबसूरत तो बहुत सारी होती हैं, आप हर एक का चुराते हैं। खूबसूरत मतलब जिनका नाम मुस्कान होता है ना उनका मैं दिल चुराता हूँ। मुस्कान नाम की भी बहुत लड़कियाँ होती हैं। मुस्कान पता है क्या, मुस्कान जिसका नाम है ना, मैं मतलब जा रहा था ना वहाँ से, तो मुस्कान नाम की लड़की का जो दिल होता है ना वो मुझे खींचता है अपनी तरफ, तो मैं वहाँ से खींचा हुआ आ रहा था, तो
मैं समझा यही है मुस्कान, वो मेरी वाली मुस्कान जो मेरे सपनों में आती है ना, वो यही है। लेकिन आप जैसे मुझे कह रहे हैं शादी का और ये वो, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ आपके? तो शादी, यार शादी क्या यकीन, शादी करोगी करोगी तो रहेंगे साथ, तो यकीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा यकीन। मतलब अभी मतलब मैं आपको नंबर दे दूँ, कल आप मुस्कान को देख के तुम फिसल जाए, तो ऐसे तो नहीं ना होता यार। मुस्कान अभी एक ही आएगी और कितनी मुस्कान है। मतलब मैं नंबर दे दूँ, कल को आपकी और गर्लफ्रेंड हो, वो आके कहे ये तो मेरा है, तो ऐसे तो नहीं ना चलता यार। गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ, सही बात है। फिलहाल अभी मैं कैसे यकीन करूँ आप पे? देखें अब आप मुझे यकीन यार, ये मेरा मतलब देख लो, अगर किसी लड़की का नंबर एक भी मिलता है तो बस यहीं से मुझे धक्के मार के निकाल दो। नहीं अब धक्के मार के, पहले आपके घर वाले अच्छा धक्के नहीं लाते, मार के निकाल दो, पहले मुक्के मार के निकाल दो यार। थोड़ी मैं करूँगी, आप इतने प्यार से आए मेरे पास, तो प्यार से आया हूँ यार, नंबर तो नोट कर दो ना अपना, बाकी क्या पता मैं, मेरा इधर चाचा मामा, मुझे भागना पड़ जाए यहाँ से, नंबर शेयर कर दो, क्योंकि फिर मैं ना मुझे भागना पड़ जाएगा, तो फिर देखती रहोगी यार लड़का हाथ से निकल गया। अपना नंबर करना है, किसी और का नहीं करना, सही है, ताकि बाद में मैं कॉल करूँ तो वो मुस्कान का चाचा बात कर रहा हो, हेलो हाँ भाई कौन हो भाई, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए। मुस्कान नाम बताया था, मुस्कान, मुस्कान हो गया सेफ। मुस्कान मुझे आप सीरियसली बताएं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है पहले से ऑलरेडी? यार मैं बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसके पास ना बैठा होता, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था। अच्छा चलिए, मैं अपने घर वालों से भी आपकी बात करूँगी। घर वालों से अभी बात नहीं करना ना, मतलब अपना रिलेशन चलेगा तो उसके बाद बात करना ना, मतलब इतनी जल्दी क्या है यार। घर वालों, कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे घर वाले तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे यार। क्यों मुझे कल छोड़ेंगे, आप खुद तो अभी शादी की बातें कर रहे थे। शादी मतलब आगे चलते हैं ना, अभी तुम कह रही हो मैं डायरेक्ट तो शादी नहीं कर सकती, डायरेक्ट करनी है तो फिर आज ही करनी है, तो चलो नहीं इतनी जल्दी भी तो नहीं ना हम कर सकते हैं। तो फिर सही है ना, फिर घर वालों से अभी बात नहीं करो ना, फिर कुछ दिन हम साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है हमारा, तुम अपने रास्ते। मतलब अभी आप मुझे टेस्ट करना चाहते हो, लड़कियों को टेस्ट नहीं किया जाता, वो प्यार में बहुत कुछ करती हैं। क्या मतलब तुम क्या कर लोगी प्यार में, मतलब पहले भी किया है किसी के लिए प्यार में कभी? मतलब प्यार पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी वो सडनली अभी टूटी है, तो मैं अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। अभी भी करती हो? नहीं अभी तो नहीं, अभी उसने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ, देन उसके बाद अपने माइंड सेट किया था किसी लड़के से प्यार नहीं करना, लेकिन आप अच्छा लड़के से नहीं करना, लड़की से करना। नहीं लड़की से क्यों करूँगी मैं लड़की नहीं हूँ यार, मैं लड़का ही हूँ, देख लेना बाद में ऐसा रहोगे तो सोच रही हो मुझे लड़की के साथ प्यार करना है तो। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको कह रही हूँ जो आप वो समझ नहीं ना दे। चलो यार देखते हैं आगे, थोड़े दिन साथ में रहते हैं ना, उसके बाद फिर बता देना ना मम्मी को भी यार, वैसे मुझे तो घर वालों ने निकाला हुआ है तो मैं तुम्हारे घर पे रह लूँ कुछ दिन के लिए। नहीं मेरे घर पे मामा पापा। अच्छा मुझे घर ले दो यार, रेंट पे घर ले दो। आप रेंट पे कर लेंगे? रेंट तुम पे करोगी यार, मैं तो अभी घर वालों ने निकाल दिया है ना, मेरे पास काम नहीं करते ना। काम करता हूँ ना यार, मतलब 2 महीने बाद मुझे सैलरी मिलेगी। 2 महीने बाद क्यों मिलेगी? अभी तुम यार पे कर देना ना वो, पता है क्या मुझे ना घर वालों ने निकाला हुआ है, रेंट भी पे कर दूं, कल को आपकी गर्लफ्रेंड भी निकल आए, मेरा रिलेशन, मेरे जज्बात फिर मिट्टी में। अच्छा गर्लफ्रेंड, तुम्हें इतना भी यकीन नहीं? मैं तुम्हें मतलब गर्लफ्रेंड वाला लगता हूं। अभी आप आए इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लूं मैं आप पे? एक अब नंबर दिया आपको, इतना कुछ किया, यकीन ही होता है। मैं तुम्हें पूरा यकीन तुम्हारा मतलब मजबूत करता हूं थोड़ा सा और, ठीक है, तुम्हारे यकीन को ना मैं किसी और चीज में बदल देता हूँ। यार मुझे सबूत नहीं चाहिए, आप बोल दें मुझे इतना ही काफ़ी है, आप इतना ना करें ना। नहीं यार मैं तुम्हें सबूत दे देता हूँ ना, एक मिनट ना बस, ठीक है। नहीं तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तुम बार बार कह रही हो मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं क्या करूँ यार। आजकल के दौर को आप जमाने को जानते हैं, मैं हेलो आजकल की बात कर रही हूं। हाँ समीना कैसी हो यार, क्या हाल चाल है, ठीक हो यार? आज के बाद हमारा ना ब्रेकअप हो गया, मुझे न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई है,
ठीक है, आज आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट नहीं करना। तुम कहती थी ना कि वो लड़कियां तुम्हें मतलब नहीं मिल, कोई भी नहीं मिलेगी मेरी जैसी, ऐसा वैसे तुमसे अच्छी मिल गई यार, बहुत अच्छी है यार, मुस्कान नाम है इसका, तो तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, सही है, आज के बाद हमारा ब्रेकअप है बस, ठीक है, अभी फालतू बकवास नहीं करो, ओके बाय। कल को मुझे भी ऐसे ही बोलोगे फ़ोन करके कोई और मिल यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी मैंने ना इसके साथ ब्रेकअप अभी अभी अचानक तुम्हारे सामने कर लिया, तो मुझे भी कल कोई ऐसे बोल दोगे कि मैंने ब्रेकअप, कल नहीं बोलूँगा तुम्हें ना, एक हफ्ते बाद बोलूँगा। ये क्या बदतमीजी है, तो कल नहीं बोलूंगा ना, एक हफ्ते तक तो चलेंगे ना, रिलेशन चलेगा। क्यों एक हफ्ते तक, मैं पागल हूँ, एक हफ्ते तक चलो, दो हफ्ते कर ले, दो हफ्ते के बाद जाएं यार से, चलो एक महीना कर लो, ये कोई मजाक है आपके लिए यार, ये मैं ना पता क्या मतलब हर हर हफ्ते बाद लड़कियाँ चेंज करता रहता हूँ, तो हो जाएंगे यहाँ से, क्या बदतमीजी है, लड़कियाँ आपके लिए मजाक है कोई, नहीं यार मजाक तो नहीं है, बाद लड़कियां बदलता हूं। नहीं, अगर अच्छी लड़की नहीं कुलाए तो फिर मैं कभी कभी मतलब दो तीन महीने तक भी ले जाता हूं रिलेशन। नंबर तो आ गया, अभी नंबर तो तुम्हारा आ गया है, काम तो मैं करूंगा, रात को 12 बजे मैसेज करूंगा भाई, मैसेज करूंगा मैं तुम्हें, कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं होगा। अच्छा यार बात सुनो, मजाक कर रहा था यार मैं, क्या मजाक कर रहे थे, मुझे पता ही बदतमीजी कर रहे थे, कोई मजाक नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा था यार मैं, मजाक कर रहा था, मैंने ना यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, मैं प्रैंक कर रहा हूँ। किधर है कैमरा, कैमरा मेरा वो सामने, वो देखो वो नजर आ रहा है, सॉरी यार मजाक कर रहा था मैं, ये कैसा बदतमीजी वाला मजाक होता है, मैं ज्यादा इमोशनल, मैं यही देख रहा था यार लड़कियां नंबर देती हैं नहीं देती हैं क्या करती हैं, मजाक कर रहा था यार सॉरी, माइंड नहीं कर रहा, नंबर तो आ गया, अभी मैं मैसेज करूंगा 12 बजे रात को, मेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है, सही है, तुम पहली हो मुस्कान। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल एनडी सफाई प्रैंक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।